बर्बाद होने से बचो। अगर आप लोग भी YouTube पे वीडियो बनाते हैं और कुछ दिनों से आप लोगों के चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, पहले अच्छे खासे व्यूज आ जाया करते थे, लेकिन अब के कुछ दिनों में व्यूज नहीं आ रहे हैं, आप लोगों का वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, आप लोगों का मोटिवेशन डाउन हो रहा है और आप लोग अपने चैनल को इनएक्टिव कर रहे हो, तो सावधान हो जाओ। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को जाग जाना है और तैयार हो जाना है अपने चैनल को फिर से चलाने के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों के चैनल पे व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं, व्यूज ना आने का क्या कारण है, क्या ऐसा और भी यूट्यूबर्स के साथ हो रहा है, फिर आप ही अनोखे हो, और मैं इसका आप लोगों को परमानेंट इन द वन ओनली सॉल्यूशन बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो गाइस वीडियो के अंत तक बनी रहेगा, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो का टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप इस पूरी YouTube की जर्नी में अनोखे नहीं हो। कई लोग ऐसे हैं इस टाइम पे जिन लोगों के साथ ही व्यूज वाली प्रॉब्लम आ रही है, मेनली इस टाइम पे बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, जैसे मैं मनोज दे की बात करना चाहूंगा, उनके चैनल पे भी इस टाइम पे व्यूज काफी ड्रॉप हो रहे हैं, कभी कभार तो 50% तक यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिल रहा है बड़े बड़े यूट्यूबर्स में भी। तो यहाँ पे इस वक्त प्रॉब्लम यूट्यूब के सर्वर से आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर आप लोग SEO जानते हो तो ऐसी काफी सारे जो एल्गोरिदम्स हैं जो यूट्यूब ने सेट कर रखे हैं वीडियोस प्रमोशन के लिए, तो वो अभी लो चल रहा है यूट्यूब की साइड से। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि YouTube की साइड से ही दिक्कत है। अगर आप लोग भी अच्छा कंटेंट बनाते हो, आप लोगों के पहले व्यूज आया करते थे लेकिन अब नहीं आ रहे हैं, तो डीमोटिवेट मत होइए। अभी आप लोगों को अपने कंटेंट को बनाए रखना है, आप लोगों को रेगुलरली वीडियोस डालना, जितने भी टाइम में आप डाला करते थे, अगर आप लोग 24 आवर्स में डाल देते तो उस टाइम में आप लोगों को वीडियोस डालते रहना है। डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम केवल आपके साथ नहीं हो रही है, कई यूट्यूबर्स हैं मेरे साथ, खुद पहले मेरे व्यूज थोड़े बहुत आ जाया करते लेकिन अब कुछ दिनों के अंदर उनका डाउनफॉल देखने को मुझे मिला है। अब देखना ये होगा कि इस वीडियो पे मेरे को कितने व्यूज मिलते हैं, कितने लाइक्स मिलते हैं, ये सब आप लोगों के हाथ में। आप लोग अभी जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं आप लोगों को इसका वन एंड ओनली परमानेंट सोल्यूशन बता सकता हूँ, जो कि खुद मनोज जी ने भी कहा है कि इसका सोल्यूशन एक ही है कि आप लोग रेगुलरली वीडियोज डालते रहे। हफ्ते में 4 बार ऐसे यूट्यूब का एल्गोरिदम चेंज होते रहते हैं रेगुलरली, यहाँ पे एल्गोरिदम चेंज आपको देखने को मिलता है। महीने में 10-20 बार यहाँ पे आप लोगों का एल्गोरिदम चेंज देखने को मिलता है। एल्गोरिदम से बस ऐसे ही कुछ होता है कि आप लोगों के व्यूज का प्रमोशन यूट्यूब कितना करेगा, तो ये प्रॉब्लम यूट्यूब की साइड से ही है, आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आप लोग अपने चैनल को रेगुलरली चलाते रहना, अगर आप लोग तो जैसे भी वीडियो चलाते थे आप लोगों का अगर कंटेंट लोगों को पसंद आता था तो आप लोगों के कंटेंट पे वापस लौट के आएंगे, अगर आप लोगों को वीडियो ने पसंद आता था वो रिटर्न बैक करेंगे आपके कंटेंट पे। अगर आपके कंटेंट में दम थी, आप लोग अच्छा कंटेंट बनाते हो, तो अभी भी बनाते रहो, डीमोटिवेट मत हो, कई यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। और गाइस मैं स्पेशली कहना चाहूंगा इस टाइम पे आप लोगों को अपने थंबनेल पे सबसे ज्यादा ध्यान देने, क्योंकि ये वो टाइम है जब आप लोगों का वीडियो कम सर्च में जा रहा है यूट्यूब के कारण, तो आप लोगों को अपने थंबनेल को बेस्ट बनाना है कि जितने लोगों के पास जा रहा है वो सब उस पर क्लिक करें। मतलब ऐसा ना हो कि 10 लोगों के पास गया तो केवल 2 ने क्लिक किया, ये वो वक्त है कि अगर 5 लोगों के पास जा रहा है तो 5ों उस पर क्लिक करें, तो उसके लिए आप लोगों को बेस्ट थंबनेल्स बनाने हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो उसके ऊपर भी मैं गाइड ले आऊंगा थंबनेल के ऊपर, आप लोग बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो यही एक सोल्यूशन बचा इस व्यूज वाली प्रॉब्लम का, जब यूट्यूब पे करंट में चल रही बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ भी प्रॉब्लम देखने को मिली है। ये प्रॉब्लम पहली बार नहीं हुई है, पास में भी कई बार ये प्रॉब्लम यूट्यूब पे देखने को मिली है। 10 साल से यूट्यूब पे आप लोगों को प्रॉब्लम, अगर आप रेगुलर हो वहां पे तो आप लोगों को देखने को मिलती है कि कई अभी तो कुछ लोगों के जो इनकम यूट्यूब के सर्विस उसमें भी कभी कभार कट ऑफ देखने को मिल जाता है, उसके बाद में उसकी रीपेमेंट हो जाती है, लेकिन कई बार यूट्यूबर्स डर जाते हैं कि क्या हो रहा है, तो कई सारे यूट्यूबर्स अपने जो चैनल है उसको इनएक्टिव छोड़ रहे हैं, उस पर ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत है, आप लोगों का चैनल बर्बाद हो सकता है आगे जाके, तो आप लोग वो गलती ना करें। कई चैनल ऐसे बर्बाद हो भी चुके हैं पास्ट में, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स को फॉलो करें कि आप लोग थंबनेल कैसे बना सकते हैं। मैं इस टाइम पर यही बेस्ट प्रेफरेंस दे सकता हूँ कि थंबनेल पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, उससे आप लोगों का क्लिक इंप्रेशन भी बढ़ेगा, आपके चैनल का जो इंप्रेशन है वो ऑल ओवर रैंक करेगा यूट्यूब पर, तो रैंकिंग करने पे अभी आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सर्च में जितना भी आप लोगों का वीडियो जा सके टैग्स लगाइए, जो भी आप लोग कर सकते हैं अपने वीडियो को सर्च में लाने के लिए वो आप सबको करना है। मेन आप लोगों को थंबनेल पे ध्यान देना है, और उससे भी मेन कि आप लोगों को वीडियोस बनाना नहीं छोड़ना है। आप लोगों की वीडियोस पर पहले अगर 50-100 व्यूज आते थे, अब अगर 25-30 भी आ रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप लोगों के व्यूज कम हुए, आप ये सोचिए कि आप लोग 25-30 लोगों को आप लोग अपना कंटेंट प्रोवाइड करिए, उनसे बोलिए कि अपनी वीडियोस आप लोगों के वीडियोस को शेयर करें। तो यही एक सॉल्यूशन है इस वक्त पे आप लोगों को, ऐसा हर बार देखने को मिल सकता है यूट्यूब पे अगर आप लोग रेगुलर हैं तो, कुछ हफ्तों बाद हो सकता है कि प्रॉब्लम यूट्यूब की तरफ से सॉल्व हो जाए, ऐसा एल्गोरिथम चेंज यूट्यूब की तरफ से होता रहता है। तो अगर आप लोगों को मेरे कंटेंटफुल वीडियो पसंद आया, इस टाइप की नॉलेजफुल व्यूज बढ़ाने वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आती है गाइस, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए गाइस, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो डेफिनेटली इस चैनल पर आएगा। आप लोग इस चैनल का नाम ठोक के रख लीजिए, आप लोगों को इस चैनल पर व्यूज जरूर देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों को मैं बता दूं गाइस कि आप लोग इस चैनल पर जो भी डिमांड करोगे वीडियोस की टैग रिलेटेड, वो टैग आप लोगों को टैग का वीडियो देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप लोगों को चैनल पर आप हेल्प मिली होगी गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।